कोरोना महामारी को रोकने जहां पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है, वहीं छतरपुर जिले के इंजीनियर सी वी त्रिपाठी, जो अपने आप में एक कवि भी हैं, स्वयं रचना करते हैं। वह कोरोना के संक्रमण को रोकने खुद के ही खर्च से नगर को सैनिटाइज करा रहे हैं और बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेली कविताएं गाकर सभी को कोरोना के प्रति प्रतिदिन जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ, यह है छतरपुर के नौगांव कस्बे में रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर कवि सीवी त्रिपाठी, जो अपने ही खर्चे से नगर को सैनिटाइज कर रहे हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वह अपनी पीठ पर ही मशीन बांधकर नगर के विभिन्न कॉलोनियों को एवं ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने निकल पड़ते हैं। वो सैनिटाइज करते समय बुंदेली कविताएँ गाकर आम लोगों को जागरूक करते हैं। कवि सीवी त्रिपाठी के इस तरह से अपने ही खर्च से नगर को सैनिटाइज करने की निस्वार्थ सेवा को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और उनके द्वारा गाई जाने वाली बुंदेली कविताओं को सुन कोरोना के प्रति जागरूक भी हो रहा है और लॉकडाउन का पालन भी कर रहा है। मैं तो जब से रिटायर हुआ हूँ तब से स्वच्छता में, मतदाता जागरूकता में लगा हूँ। इसके बाद ये कोरोना महामारी पूरे विश्व स्तर की एक संकट है, ऐसा नहीं कि अपने पूरे भारत का है, पूरे विश्व स्तर का संकट है। तो मैं तो चाहता हूं कि पूरा मैं पूरी तरह से इस संकट में लगा हुआ हूं। अपने घर से एक मशीन 4,000 रुपए की मशीन खरीदी, सैनिटाइज भी खरीदा हुआ है और कुछ इसमें देसी भी सैनिटाइज अपन मिलाते हैं। अब पूरे नगर को घर घर जा करके, साथ में मेरा एक भतीजा हरी त्रिपाठी है वो भी रहता है, और पूरे नगर को सैनिटाइज अपने अपने स्वयं के खर्चे पर करता हूं। और मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि शासन यदि मुझे और कुछ सुविधाएं देता है, सैनिटाइज उपलब्ध कराता है, वाहन उपलब्ध कराता है, तो अभी तो मैं निकट के गाँव तक जाता हूँ और मैं छतरपुर के इर्द गिर्द के दूसरे गांव में भी बड़ी आसानी से जा सकता हूं। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने टीवी देखा होगा, 3 मई तक के लिए डेट बढ़ाई। 3 मई तक की अगर लॉकडाउन की डेट बढ़ाई, उसका निश्चित रूप से एक आशा है कि अभी हम संकट किस पूरी तरह उभरे नहीं है। तो इसीलिए मैं तो अभी करीब करीब 10 वार्डों में रोज जाता हूँ, 10 वार्डों में रोज जो है अपना अभियान जारी रखा है।